इस वक्त हम ट्रिपल ई पी फेयर 2019 के अंदर मौजूद हैं और हम यहाँ जैम्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हैं। फराज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक एक्सपो का। थैंक यू फराज, आपने हमें टाइम दिया, तो अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? वेलकम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप यहाँ आए। अच्छा एक्सपीरियंस है और कराची में ऑलमोस्ट अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इससे पहले जो टेक्सटाइल एशिया थी वहाँ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ भी एज़ कम्पेयर टू कल, आज का थोड़ा सा कम था बट ये कि फर्स्ट डे एंड सेकंड डे काफ़ी इंप्रेसिव रहा। आज तो मैं खुद भी लेट आया था तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ, बट ये काफ़ी इंप्रेसिव है और हमें जो इसमें बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प आउट मिलती है। इवेंस की जो है मैं क्लाइंट जो जिनसे एक्सेस नहीं होता हमें मिलने का, वो बी टू बी इजीली कन्वर्जेशन यहाँ पर हो जाती है और हमें काफ़ी हेल्प आउट मिल जाती है इससे। अगर इवेंट्स की अगर हम मंथली बेसिस या वन एंड टू ऑफ मंथ्स के अंदर ये एग्जीबिशन करें तो हमें क्लाइंट के पास विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा फराज, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या इनका कहाँ से ये मेड कहाँ से? ये बेसिकली हम ऑथराइज डीलर हैं, यूरोपियन ब्रांड्स हैं हमारे पास कुछ, जिसके अंदर हॉलैंड है एक कंपनी और इसी तरह सी एस की इंस्ट्रूमेंट जर्मनी की है, स्पेनिश है, तो 6 से 7 ऑथराइज कंपनीज हैं हमारी जिसके हम ऑथराइज डीलर हैं। उसको हम यहाँ डील करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन भी करते हैं, कमीशनिंग भी करते हैं, कॉन्फिगर भी करते हैं। इट्स मीन कि इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम, यूटिलिटीज जो इनकी होती है उस समय। किस मतलब लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या? प्रोडक्ट लाइन फ्लो मीटर्स है, कोर प्रोडक्ट जो हमारा वो 80% फ्लो मीटरिंग की जॉब्स हैं और 20% जो है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें लेवल फ्लो इट मीन्स की जो यूटिलिटीज यूज हो रही थी इंडस्ट्रीज में, वाटर गैसेस एयर, उसको मॉनिटर करते हैं, तो उससे कंपनी को आइडिया होता है कि हमारी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही है। तो अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसमें आप कैसे देखते हैं आगे बिजनेस को? इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ कि हम जैसी जो प्रॉपर प्रोफेशनल काम कर रही है हमें इतना खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अच्छी ही उसमें वो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि जो लोकल सप्लायर्स होते हैं जिस तरह शेरशाह वगैरह में, इस तरह वो भी डील कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, तो इनकम टैक्स वगैरह FBR वगैरह के इशूज़ उनको आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमें इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और इशूज़ तो पाकिस्तान बनने के पास से आ ही रहे हैं, वो तो उसमें कोई नो डाउट है, बरहाल फिर भी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जेम्स प्राइवेट लिमिटेड में मौजूद हैं और फराज जो हैं होपफुल हैं आगे के हालात के हवाले से। इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।